अध्याय 19। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सब लगभग 12 पुरुष थे और वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और वो प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं। दुष्ट आत्माएं भी उनसे निकल जाया करती थीं। वहां कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। वे लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं हों उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है हम तुम्हें उसी की शपथ देते हैं। सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। यो प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि वो मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाए। उसने कहा कि वहां जाने के बाद उसे रोमा को भी देखना आवश्यक है। सो अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथिस और एरातुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन सारे आसिया में ये कह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी हैं वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया।
और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्खुस मिक दुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक चित होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा, तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे कि एफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे एफिसियों, कौन नहीं जानता कि एफिसियों का नगर, बड़ी देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो, तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वो एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलबे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं। सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का उत्तर ना दे सकेंगे। और ये कहकर उसने सभा को विदा किया।